हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अनदर चैप्टर चैप्टर नंबर थर्टीन स्किन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस तो यहाँ पे हम इस चैप्टर में स्किन के बारे में पढ़ेंगे स्किन के स्ट्रक्चर के बारे में और स्किन की क्या फंक्शंस हैं हमारी हमारी बॉडी में इसके बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें समझना है कि स्किन हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होती है स्किन हमारी बॉडी की सबसे ऊपर वाली कवरिंग होती है तो आप उसको फील कर सकते हैं ठीक है और ये हमारी बॉडी के जस्ट ऊपर बॉडी की कवरिंग के ऊपर के फॉर्म में ये प्रेजेंट होती है और ये फॉर्म करती है एक सपल कवरिंग ठीक है तो एक बहुत ही सॉफ्ट कवरिंग ये फॉर्म करती है और ये इम्परमिएबल की तरह काम करती है इम्परमिएबल बैरर मतलब होता है कि कोई भी चीज़ हमारी स्किन के अंदर से अंदर नहीं जा सकती क्योंकि उसको रोकने रोकती है ठीक है उसको प्रिवेंट करती है और वैरायटी ऑफ थिंग्स जो है हमारी बॉडी के अंदर ऐसे नहीं जा सकती और स्किन हमारी बॉडी को शेप भी प्रोवाइड करता है स्किन के अंदर एक बहुत अच्छी क्वालिटी होती है दैट इट हैज हाँ अ पावर ऑफ रीजनरेशन तो आपने देखा होगा जो डेथ सर होते हैं वो गिर जाते हैं और फिर से न्यू स्किन आ जाती है स्किन को बोला जाता है द जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स और द मास्टर ऑफ मेनी टास्क ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये सिर्फ प्रोटेक्शन ही प्रोवाइड नहीं करती बल्कि साथ साथ हमारी सराउंडिंग कैसी है उसको भी हम अपनी स्किन से फील कर सकते हैं स्किन हमारी बॉडी के टेम्परेचर को रेगुलेट करती है हमारे वाटर का जो कंटेंट है उसको भी रेगुलेट करती है एक्सेस अमाउंट ऑफ वाटर को एक्सक्रीट करने में हेल्प करती है और हमारे बॉडी के अंदर ये ऐसा एयर कंडीशन वर्क करती है एक्ट करती है साथ ही साथ विटामिन डी के सिंथेसिस में भी हेल्प करती है तो स्किन के बहुत सारे फंक्शन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है तो हम यहाँ पे देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ स्किन स्किन को हम बेसिकली दो मेन हेडिंग्स में पढ़ते हैं स्किन प्रॉपर और डेरिवेटिव्स ऑफ स्किन तो स्किन प्रॉपर को हम अगेन डिवाइड कर सकते हैं सब डिवाइड कर सकते हैं इनटू टेंट चीज यहाँ पे लिखी हुई नॉलेज टेक्स्ट में हम देखेंगे कि स्किन हमारी का सबसे बड़ा ऑर्गन होता है इसका सरफेस एरिया 1.5 टू 2 स्क्वायर मीटर स्क्वायर टू स्क्वायर मीटर्स होता है और इसका जो हमारी टोटल बॉडी का वेट जो है उसमें सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट जो है हमारी स्किन का वेट होता है राइट सो यहाँ पे हम देखेंगे स्किन को का क्लासिफिकेशन देखेंगे कि स्किन को हम स्किन प्रॉपर और डेरिवेटिव ऑफ स्किन में पहले डिवाइड करेंगे उसके बाद स्किन प्रॉपर को अगेन हम दो डिवीजन में पढ़ेंगे एपिडर्मिस एंड डर्मिस देन डेरिवेटिव ऑफ स्किन को हम हेयर नेल्स स्वेट ग्लैंड स्पैशल ग्लैंड और मेमेरिक ग्लैंड में पढ़ेंगे देन अगेन हम देखेंगे एपिडर्मिस को जो कि तीन लेयर्स में डिवाइडेड है कॉर्निफाइड लेयर ग्रैनुलर लेयर एंड मेलफ्यूजन लेयर तो ये पूरा हम डिटेल में पढ़ेंगे

कॉर्नीफाइड लेयर इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ इपिडामिस सबसे ऊपर लेयर होती है इपिडाम की और ये बनी हुई होती है कुछ थिन लेयर्स से ठीक है और वो लेयर्स जो है वो स्केल लाइक डेड सेल्स से बनी हुई होती हैं इनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिपॉजिट रहता है एक हॉर्नीस सल्फर कंटेनिंग प्रोटीन के फॉर्म में जिसको किराटिन बोलते हैं ठीक है तो जो सेल्स कॉर्निफाइड लेयर के होते हैं उनको केराटिनाइज बोला जाता है या फिर कॉर्निफाइड बोला जाता है देन द नंबर ऑफ दीज लेयर्स वेरीज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी अलग अलग बॉडी पार्ट्स में इसकी जो नंबर ऑफ लेयर्स है वो वेरी करती है एंड और इसी तरह से उसकी थिकनेस जो है पिडम इसकी अलग अलग बॉडी पार्ट में वेरी करती है तो ये सबसे ज्यादा जो थिकेस्ट आपको मिलेगी सबसे ज्यादा थिकेस्ट और सबसे ज्यादा हार्ड जो इसका पोर्शन मिलेगा वो आपको हील्स और आ, उन, सोल्स में मिलेगा ठीक है हील्स में ऑन द हील्स एंड थिक ऑन सोल्स एंड पॉम्प ठीक है तो सोल्स पार्म और हील्स पे ये बहुत हार्ड होती है और बहुत मोटी होती है और कॉर्निया कॉर्निया एक एरिया अगर आप देखेंगे तो जहां पर होती है उस जगह पर ही सबसे ज्यादा पतली होती है epidemis, और ट्रांसपेरेंट होती है सो कॉर्निया इज अ पार्ट ऑफ आई देन जो कॉर्निफाइड सेल्स सरफेस को फॉर्म करते हैं वो कॉन्स्टेंटली शेड ऑफ होते रहते हैं और रिप्लेस हो, हो जाते हैं ये मेलफीजियन सेल्स मल्फिजन uh, लेयर के जो सेल्स डिवाइड होते रहते हैं उनसे ये रिप्लेस होते रहते हैं और इस रिप्लेसमेंट प्रोसेस को ही एक्सफोलिएशन बोलते हैं ठीक है तो कॉर्निफाइड लेयर जो कि सरफेस लेयर फॉर्म करती है ये जो सेल्स हैं ये शेड ऑफ होते रहते हैं कॉन्स्टेंटली और ये शीड ऑफ होने के बाद में जो सेल इनकी जगह पे रिप्लेस होकर लगते हैं वो मेलफ्यूजन लेयर्स के सेल्स होते हैं जो डिवाइड होकर वहां पे रिप्लेस हो जाते हैं इस प्रोसेस को एक्सफोलिएशन बोलते हैं देन सेकेंड लेयर जिसको हम ग्रैनुलर लेयर बोल रहे हैं और उसको स्ट्रेटम ग्रेनुलसम भी बोला जाता है ये ट्रांजिशनल लेयर होती है जो कि मेलफ्यूजन और कॉर्निफाइड लेयर के बीच में होती है राइट सो वी कैन सी हियर इन द डायग्राम सी यहाँ पे आप देखेंगे ये कॉर्निफाइड लेयर है और इसके बीच में आप देखेंगे ग्रेनुलर लेयर है और सबसे बॉटम में देखेंगे मेल्फिजन लेयर है ठीक है कॉर्निफाइड आउटर मोस्ट लेयर है और ग्रेनुलर मिडल लेयर है और मेल्फिजन इनर मोस्ट लेयर है तो ये इन दोनों के बीच की से उसको ट्रांजिशनल लेयर बोला जाता है राइट सो so, ये टू और थ्री रोज ऑफ राउंडेड और ओवल सेल से मिलकर बनी होती है और ये सेल्स लिविंग सेल्स होते हैं और इनके अंदर ग्रैनुलर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है ये डेवलप होते हैं फ्रॉम द मेलफिजन लेयर एंड एज दे मूव अपवर्ड जैसे ही ये ऊपर जाते हैं ये क्वानीफाइड सेल्स में चेंज हो जाते हैं बाय द डिपोजिशन ऑफ किराटिन इन देयर साइटोप्लाज्म इस साइटोप्लाज्म के अंदर जो किराटिन होती है वो डिपॉजिट हो जाती है जिसकी वजह से ये क्वारिफाइड सेल्स में चेंज हो जाते हैं तो यहाँ पर हम इसका डाइग्राम देख सकते हैं यू कैन सी द डाइग्राम है सबसे ऊपर वाली लेयर सेल्स है हार्ड हो जाते हैं फ्लैट हो जाते हैं और रिप्लेस हो जाते हैं झड़ जाते हैं इसके नीचे की जो लेयर है वो ग्रैंडर लेयर है दी सेल्स आर कट ऑफ फ्रॉम ब्लड सप्लाई एंड सो डाई ठीक है तो ये जो सेल्स हैं वो क्या होते हैं ब्लड सप्लाई से कट ऑफ हो जाते हैं इसकी वजह से ये इनकी डेथ हो जाती है और ये फिर कॉर्नीफाइड में चेंज हो जाते हैं तो लेयर्स में दिस दिस सेल्स एंटर्स ले मेलफीजियन लेयर ये लेयर के सेल्स हैं जो डिवाइड होते हैं उसके बाद ये ग्रैनुलर में जाते हैं फिर ग्रैनुलर जो है वो कॉर्निफाइड में जाते हैं तो इस तरह से ये एक सीक्वेंस हमेशा ये कंटिन्यूसली चलता रहता है सो वी सीख दीज डेवलप फ्रॉम द सेल्स ऑफ मेलफ्यूजन लेयर एंड एस दे बिकम as they move upward they change into conified cells by the deposition of keratin in their cytoplasm then the third layer that is the innermost layer is the malphigian layer jisko stratum germinativum और मेल्फिजी भी, भी बोलता जा, बोला जाता है तो मेल्फिजन लेयर जो है सबसे अंदर की लेयर होती है पिडर्मिस की और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं वो डिवाइड होते रहते हैं और ये सिंगल लेयर फॉर्म करती है जो कि एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं और उनका शेप कॉलम लाइक होता है तो उनको कॉलम नार सेल्स बोला जाता है जबकि हमने ग्रैनुलर में पढ़ा था कि इसमें जो सेल्स होते हैं वो ओवल सेल होते हैं और इसके अंदर जो सेल्स होते हैं मेलफीजियन लेयर के अंदर जो सेल होते हैं वो कॉलम नार सेल्स होते हैं सो दीज सेल्स आर कट ओनली ऑन दी आउटर साइड ये सिर्फ बाहर की तरफ कट होते हैं तो ये ऊपर तो की तरफ मूव होते जाते हैं जैसे जैसे नीचे, नीचे बॉटम की तरफ न्यू सेल्स बनते हैं एड होते हैं वैसे ऊपर की तरफ ये पुश होते चले जाते हैं एज अ सेल मूव अपवर्ड दे लूज देर न्यूक्लिया जब ऊपर की तरफ जाते हैं तो न्यूक्लियाई इसके लूज हो जाते हैं उनका जो साइटोप्लाज्म होता है वो हार्ड क्रेटीन में चेंज हो जाता है डेवलप हो जाता है डिपॉजिट हो जाता है और उसके बाद ये धीरे धीरे ग्रैंड होते हैं फाइनली ये लेयर फॉर्म कर लेते हैं की राइट सो द सेल्स ऑफ मेल्फ्यूजन लेयर कंटेन अ ब्राउन पिगमेंट विच इज कॉल्ड एज मिलानन तो लेयर के अंदर एक लेकिन ये होती है कि इसके अंदर ब्राउन पिगमेंट होता है जिसको मिलानन बोलते हैं जो कि हमारी बॉडी में कलर देता है ठीक है तो हम इसको डायग्राम में एक बार फिर से देख सकते हैं यू कैन सी ये मेल्फीजे लेयर है ठीक है तो ये इनर मोस्ट लेयर होती है और इसकी जो सेल्स से हैं वो कंटिन्यूसली डिवाइड होते रहते हैं ये आउटर की तरफ कट होती है और न्यू सेल्स जैसे जैसे ऐड होते जाते हैं वैसे वैसे ऊपर के जो सेल्स से हैं वो ग्रैंडर लेयर में चले जाते हैं और वो ग्रैंडल लेयर्स के से उसके बाद फिर वो आगे की तरफ जाते हैं और जब ग्रैंडल लेयर तक आते हैं तो इनका न्यूक्लियाई जो है वो किल हो जाता है ये डेड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं फिर ये कॉर्निफाइड लेयर में पहुंचते हैं राइट और यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इनका जो साइटोप्लाज्म होता है उसके अंदर जो किराटिन होता है वो हार्ड हो जाता है और किराटनाइज हो जाता है इनका जो साइटोप्लाज्म होता है राइट सो दिस इज द डायग्राम ऑफ ये जो तीन पोर्शंस हैं ये फॉर्म करते हैं एपिडर्मिस को नाउ वी विल सी द फंक्शन ऑफ एपिड फॉर्म करती है ए बॉडी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग साथ ही जो इसकी क्वारिफाइड लेयर होती है जो कि बहुत ही टफ होती है वो प्रोटेक्ट करती है बॉडी के अंडरलाइन टिश्यूज को मैकेनिकल इंजरीज से बैक्टीरियल इन्वेजन और इन्फेक्शन से साथ ही वाटर लॉस से भी बचाती है एपिडामस में जो हेयर होते हैं वो हेल्प करते हैं टेम्परेचर के रेगुलेशन में ठीक है फिर मेलफीजियन लेयर के अंदर जो पिगमेंट होता है इसको मिलानल पिगमेंट बोलते हैं वो स्किन को कलर प्रोवाइड करता है साथ ही वो इंटरनल ऑर्गन्स को अल्ट्रा रेडिएशन से भी बचाता है एक्सफोलिएशन प्रोसेस होता है जिसमें कि ओल्ड सेल्स जो हैं वो न्यू सेल्स की जगह पे आ जाते हैं ठीक तो है तो ओल्ड सेल्स जो हैं सॉरी ओल्ड सेल्स रिप्लेस हो जाते हैं और न्यू सेल्स आ जाते हैं उस प्रोसेस को एक्सफोलिएशन बोलते हैं और इस प्रोसेस के थ्रू पिडम क्या करती है जितने भी बैक्टीरिया फंजाई और अदर हार्मफुल बैक्टीरिया जो स्किन के ऊपर एक्यूमलेट हो जाते हैं इकट्ठे हो जाते हैं वो इस प्रोसेस से प्रोसेस ऑफ एक्सफोलिएशन से रिमूव हो जाते हैं एपिडामस हेल्प करती है वुंड की हीलिंग में क्योंकि इसके अंदर पावर होती है रीजनरेट होने की तो इस पावर की वजह से इपिडामिस हेल्प करती है वुंड्स की हीलिंग में राइट सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ एपिडामिस